हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएफएक्स मैकेनिक। आज हम न्यूक के अंदर सीखेंगे पॉइंट क्लाउड कैसे जनरेट करना है, और उसके साथ हम लोग सीखेंगे मैश मूविंग टेक्निक और प्रोजेक्शन टेक्निक कैसे यूज़ करना है पॉइंट क्लाउड के साथ। ऐसे कुछ मेरे पास फुटेज है जो कि हम ऑनलाइन इंटरनेट pixel.com से मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप चाहे तो उधर भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप उधर से ये फुटेज प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक फुटेज जो है वह प्ले करके देखते हैं। एक बहुत अच्छा फुटेज है जो कि क्वेश्चन करने के लिए और पॉइंट क्लाउड जनरेट करने के लिए कैमरा ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छा फुटेज है। तो इसी के अंदर हम लोग पोजिशन क्रिएट करेंगे। तो क्या करना है, हमारा जो टास्क उन्हें बताया, ये फुटेज के अंदर जो एक एक्टर है, एक एक्टर के ऊपर हम लोग बियर ऐड करेंगे। ये जो कैरेक्टर है इसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छा तरीके से एक बियर जो है क्रिएट करेंगे इसके ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चीज़ कैसे करना है हम लोग देखते हैं। तो हमें पहले ही देख के फुटेज को देख के पता चल जाता है कि एक कैमरा ट्रैकिंग फुटेज है, कि एक जगह से लेके बहुत अच्छा तरीके से रोटेट होके पोजिशन भी चेंज हुआ है पीछे की तरफ। तो एक बहुत अच्छा फुटेज है, ये यूज़ करके हम लोग पॉइंट क्लाउड बहुत अच्छे से जनरेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारा तरीका है करने के लिए, लेकिन एक फुटेज बहुत अच्छा है और मैंने एक सिंपल वे से मैं देखा था कैसे पॉइंट क्लाउड को जनरेट करके एक बहुत अच्छा खासा आउटपुट लुक ले सकते हैं इसके अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या हमें क्या करना है, ये जो फुटेज है, एक फुटेज के ऊपर आप लोग वर्क कर रहे हैं, मतलब इसका वाइज हमें प्रोजेक्ट सेटिंग सेट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, फुटेज के ऊपर डबल क्लिक करते ही पता चल जाएगा कि ये जो फुटेज है 1280x720 है, तो इसके वाइज हमें प्रोजेक्ट सेटिंग कर लेना है। तो प्रोजेक्ट सेटिंग करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की भी है, नहीं तो हम एडिट ऑप्शन पे जाकर प्रोजेक्ट सेटिंग ले सकते हैं और इधर हम लोग फुटेज क्वालिटी जो है 1280x720 भी चेंज कर लेंगे। अभी हमें क्या करना है, फुटेज को ट्रैक कर लेना है। तो सिंपली कैमरा ट्रैकिंग है तो हमें कैमरा ट्रैकर मोड ले लेना है। टैप दबा के हम लोग कैमरा ट्रैकर मोड ले लेते हैं और इसको हम फुटेज के ऊपर डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं। हो सके तो हम लोग अच्छा ट्रैकर निकालने के लिए हम लोग इसके ऊपर ग्रेड नोड, शार्प नोड और ब्लैड नोड को भी यूज़ कर सकते हैं, तो और भी अच्छा ट्रैक निकल जाएगा। तो मैं ये सब पे मैं टाइम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कैमरा ट्रैकर के ऊपर जाके सेटिंग्स में चला जाता हूँ। इधर जाके मैं रिफाइंड फीचर्स और प्रीव्यू फीचर्स को ऑन कर लेता हूँ। इसमें क्या होता है, अगर प्रीव्यू फीचर करते हैं तो पहले हमें ये फीचर्स जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ट्रैकिंग पॉइंट और फीचर्स पॉइंट बोला जाता है इसको, हम लोग पहले हमें दिख जाएगा कि कितना पॉइंट इधर है और ये जो ट्रैकिंग पॉइंट है अच्छे से इसको प्रॉपर जगह पर सेट करना है। तो हमें रिफाइन फीचर्स को ऑन कर सकते हैं तो अच्छे से वो सेट हो जाएगा एक जगह। ये जो ट्रैकिंग पॉइंट है 150 है, इससे ज़्यादा अगर करना है तो हम लोग इधर जाके थोड़ा सा पॉइंट को बढ़ा भी सकते हैं अपना रिगार्डिंग। तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना है कि मैं रहूँ 350 to 400 कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो रहा है तो हमारा सिस्टम जो है बहुत हेवी होगा, क्योंकि हर एक ट्रैकिंग पॉइंट जो है ट्रैकिंग करना चालू हो जाएगा, तो इसलिए हमारा सिस्टम कभी भी क्रैश भी हो सकता है सॉफ्टवेयर। तो इसलिए हमें क्या करना है, कम से कम 400, 300, 350 तक। इसके बाद हम लोग सिंपल कैमरा ट्रैकर पर वापस आ जाते हैं और हम ट्रैकिंग जो इधर ऑप्शन मिलता है ट्रैकर का, तो इसको स्टार्ट कर देते हैं, हमारा ट्रैकिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो इधर वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ट्रैकिंग होने तक। तो देख सकते हैं हमारा जो ट्रैकिंग जो है कंप्लीट हो गया। ट्रैकिंग होने के बाद इधर हमें ऑप्शन मिलते हैं सॉल्व ऑप्शन, जैसे इधर सॉल्व पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कैमरा ट्रैकिंग डेटा है सॉल्व होकर आ जाएगा। तो इधर देख सकते हैं हमारा जो इरोड पॉइंट आया है 1.001 आया है, ये बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना है। तो मैक्सिमम होना चाहिए 0.9 से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा अगर होगा तो हमारा ट्रैकर फोन खराब होगा। तो 1.001 है, मतलब ये बहुत ही खराब ट्रैकिंग डेटा है। तो इसको हमें क्या करना है, ठीक करना है। तो पहले हम लोग देख सकते हैं कि इधर जो बहुत सारा रेड पॉइंट और येलो पॉइंट और आता है, तो ये खराब होता है, इसको हमें निकलना है। तो क्या करना है, उसके लिए हमें जाना है सिंपली ऑटो टैग ऑप्शन पे। इधर जाके हमें ऑप्शन मिलते हैं डिलीट हार्ड सॉल्व, क्लिक करके ये कर देंगे तो हार्ड सॉल्व जितने भी डेटा था वो निकल गया। अभी इधर ऑप्शन होता है डिलीट रिजेक्ट, इसको क्लिक करके हमारे पास जो रेड है तो ये रिजेक्ट डेटा होता है, इसको रिजेक्ट ट्रैकिंग डेटा होता है, इसको हम लोग निकल देंगे। तो देख सकते हैं कि रिजेक्ट पॉइंट भी निकल गया। अभी हमें क्या करना है, अभी देख सकते हैं कि अभी भी ये बहुत खराब ट्रैकर है, इसको अच्छा करने के लिए हम लोग इधर से मिनिमम लेंथ और मैक्स ट्रैक हीरो और मैक्स हीरो को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग मैनुअली भी इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसको और ज़्यादा कम करते हैं। जैसे कम करेंगे और भी जितना भी खराब ट्रैकर है वो हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कम करेंगे, देख सकते हैं कि बहुत सारा रिजेक्ट जो पॉइंट है वो हमें मिल गया। तो इस बहुत ज़्यादा खराब जो पॉइंट था वो हमें मिल गया, इसको भी हम लोग।
यस और डिलीट भी चेक करके यस कर देंगे। तो अभी देख सकते हैं 0.8 ये काफ़ी हद तक अच्छा है। इसको क्या करना है, फोकल लेंथ पोजिशन ये चीज़ को भी हम लोग रिपेयर सॉल्व कर देंगे, तो और भी थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा। तो अभी देख सकते हैं कि 0.85 जो है ये काफ़ी अच्छा है, इसको हम और भी टिक कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा करके। तो कटना है तो हम लोग कर सकते हैं, नहीं भी करते तो फिर भी हम लोग ऑलरेडी पॉइंट क्लाउड नेट करके काम करेंगे इसके अंदर। अभी हमारे पास 0.7 नहीं है, काफ़ी हद तक ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली कैमरा का के पास वापस में आते हैं ऑप्शन में, और इधर जाके हमें 3D सेटअप जो है क्रिएट करना है। 3D सेटअप क्रिएट करने के लिए इधर से मेन इंपॉर्टेंट जो है कैमरा इंपॉर्टेंट होता है, पूरा सेटअप रेडी करना है। तो इधर से भी हम लोग सीन प्लस नहीं तो सीन से भी हम लोग पूरा का पूरा सेटअप रेडी कर सकते हैं। तो इधर से देख सकते हैं कि हमारा जो कैमरा जो है आ गया, और एक 3D सेटअप है, सीन भी आ गया और पॉइंट क्लाउड भी आ गया। इधर से अगर देखेंगे 3D में हमारे पास ऐसा कुछ एक डेटा आया है, ये भी एक पॉइंट क्लाउड ही है, लेकिन हमें और भी अच्छा खासा पॉइंट क्लाउड निकल के लेके आना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और एक नोड लेंगे जिसका नाम है पॉइंट क्लाउड। जैसे लेंगे पॉइंट क्लाउड जनरेट हो, इधर हमें ऑप्शंस मिलता है कैमरा का ऑप्शंस, कैमरा को कैमरा के साथ कनेक्ट कर देंगे और सोर्स में हम डायरेक्ट खुद के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इधर हमारे पास और एक ऑप्शन मिलता है कि मास्क ऑप्शंस, ये मास्क हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई भी जगह का आपको पर्टिकुलरली मेंशन करना है कि हमें कौन सा जगह पे पॉइंट क्लाउड बनाना है, कौन कौन सा जगह का पॉइंट क्लाउड जनरेट करना है, तो उस हिसाब से भी हम लोग मास्क को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये चीज़ जरूरत नहीं है, तो मैं पूरा का पूरा फुटेज में मास्क जनरेट करने वाला हूँ। तो पॉइंट क्लाउड के ऊपर डबल क्लिक करते ही हमें ऑप्शन मिलते हैं एनालाइज सीक्वेंस, इसके ऊपर क्लिक करते ही जो हमारा फुटेज है ये इसको एनालाइज करना स्टार्ट कर देगा कैमरे के साथ। तो एनालाइज सीक्वेंस जो है वो हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे जो इसके साथ साथ जो ट्रैकिंग पॉइंट है इसको हम लोग क्लिक करते हैं, हमारा जो फुटेज गया था जो क्लाउड है वो जनरेट होना चालू हो जाएगा। तो जैसे हम क्लिक करेंगे हमें पूछेगा कि कितना फ्रेम तक आपको ट्रैक करना है, तो हमारा जो टोटल फ्रेम रेट है देख सकते हैं कि 1 से लेके 222 तक है। तो इधर हम लोग टाइप कर सकते हैं और ओके करते ही हमारा जो क्लाउड जो है जनरेट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इधर मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट क्लाउड है वो जनरेट हो गया इसके अंदर। तो ऐसा कुछ हमें पॉइंट क्लाउड जो है जनरेट होकर मिल गया, तो बहुत अच्छा सा अभी एक आउटपुट देखने के हमें मिल रहा है। तो अभी इधर देख सकते हैं कि बहुत सारा रेड रेड डॉट भी है, तो ये है रिजेक्ट पॉइंट। इसको डिलीट करने के लिए हमें इधर ऑप्शन मिलता है डिलीट रिजेक्ट पॉइंट। जैसे इसको क्लिक करेंगे जितना भी डिलीटेड पॉइंट है, रिजेक्ट पॉइंट था, वो सब डिलीट होकर आ गया। अभी हमें क्या करना है, फुटेज के अंदर हमें एक 3D मेश क्रिएट करना है, क्योंकि हम जो टेक्सचर लगाने वाला है, कि जो टेक्सचर होने वाला है उसके टेक्सचर के अंदर हम लोग बियर को क्रिएट करेंगे, तो ऑब्वियसली हम इसके अंदर हम लोग प्रोजेक्ट यूज करेंगे। प्रोजेक्ट करने के लिए हमें ऑब्वियसली एक 3D जियोमेट्रिक होना चाहिए। तो 3D जियोमेट्रिक बनाने के लिए इसी के रिगार्डिंग हम लोग एक मेस क्रिएट करेंगे। वो कैसे करना है, तो अभी देख सकते हैं कि हमारा पॉइंट क्लाउड जो है आ गया। तो अभी हमें फेस का जो पार्ट है इसको हम अलग से बना लेते हैं। तो ये फेस को अलग से बनाने के लिए हमें इधर एक ऑप्शन मिलता है, ये वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे पास ऐसा नोड सिलेक्शन है, इसको हम वर्टेक्स सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे क्लिक कर लेंगे वर्टेक्स, तो हमारा पॉइंट जो है कुछ ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये जो फेस है, फेस का रिगार्डिंग हम लोग इसको सिलेक्ट कर देंगे, कुछ ऐसा कुछ हम लोग सिलेक्ट कर देंगे ऐसा कुछ। इस सिलेक्ट होने के बाद कुछ कुछ जगह पर देख सकते हैं कि अननेसेसरी जो है सिलेक्टेड हो गया। तो इसको रिमूव करने के लिए शिफ्ट और ऑल के साथ, जिस जगह पर नहीं चाहिए उस जगह पर क्लिक करते ये रिमूव हो जाएगा। शिफ्ट और ऑल के साथ हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अगर और भी आपको अगर डेटा ऐड करना है, पॉइंट क्लाउड अगर ऐड करना है, तो शिफ्ट के साथ आप हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं रिमूव करना हूँ सिर्फ और ऑल के साथ हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या, सिर्फ के साथ हम लोग ऐड कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए सिर्फ ऑल के साथ, जो जगह हमें नहीं चाहिए तो अननेसेसरी जगह को हम लोग सिर्फ ऑल के साथ रिमूव भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ हम लोग रिमूव कर लेते हैं। अभी देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा खासा आउटपुट आ गया है। आपको अगर ऐड करना है तो सिर्फ, जैसे देख सकते हैं कि ऐसे ऐड किया, ऐसे करके क्लीन कर दिया, अभी इस जगह पर जरूरत होगा तो सिर्फ के साथ हम लोग और भी जगह पे ऐड कर सकते हैं, कुछ जगह को ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ अननेसेसरी जगह पे चले जाते हैं तो हम लोग सिंपली सिर्फ और के साथ रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ को हम ध्यान से
पे रख के काम करेंगे। ठीक है, ये वाला पार्टी हो गया, तो हमें देख सकते हैं कि ये वाला फेस जो पार्ट है बहुत अच्छा तरीके से हम लोगों ने फेस वाला पार्ट हमें मिल गया। तो अभी हम ये वाला जगह को अलग से कर ले लेते हैं। तो अलग से लेने के लिए हमें कहाँ पे जाना होगा, ये जो ब्लू ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं क्लाउड जैट के अंदर ग्रुप पे चले जाते हैं, और इधर हम लोग गेट ग्रुप कर लेंगे। जैसे कि ग्रुप कर लेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये ग्रुप के अंदर आ गया, इसको ऑफ कर लेते हैं। ये जो ग्रुप है इसको नीप पे डाल सकते हैं, डबल क्लिक करके ऐसे फेस लिख देते हैं, और इधर इसको ऑफ करके देखना है। तो जैसे क्लोज बटन को ऑफ करेंगे देख सकते हैं फेस वाला पार्ट जो है रिमूव हो गया इधर से। तो अभी इसको ऑन कर लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, बाकी जो पॉइंट है ये सबको सिलेक्ट करके और एक ग्रुप में ऐड कर देना है। तो हमें इसको ऑफ कर लेना है, ये वाला जगह ऑफ करने के बाद जितना भी हमें पॉइंट क्लाउड मिल रहा है इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और एक ग्रुप के अंदर ले लेते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि ये वाला जगह कुछ ऐसा कुछ आ गया, और फेस वाला पार्ट ऐसा कुछ आ गया। तो ये वाला पॉइंट कुछ अलग से सिलेक्ट हो गया, ये वाला एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँ, चाहिए नहीं। तो देख सकते हैं कुछ फेस हमें मिल गया है। तो इधर से हम लोग वर्टेक्स से फिर हम नोड सेलेक्शन पे आ जाते हैं, तो हमारा फेस जो है कुछ ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, इसका रिगार्डिंग हमें क्या करना है, एक मेस को जनरेट करना है। तो मेस जनरेट करने के लिए आप इधर से जैसे पिक सेलेक्ट ग्रुप मेस कर लेंगे तो हमें एक मेस के फेस का रिगार्डिंग मिल जाएगा। मेक श्योर फेस को सिलेक्ट होना चाहिए, ये वाला सिलेक्ट नहीं करना है, इसको मैंने ऑफ कर रखा है। ऑफ करके देखते कुछ ऐसा कुछ मिलेगा, इसको ऑफ करते हैं तो ये वाला छोड़ के बाकी जाएगा मेन सीनेट हो गया। तो मैं बात अभी के लिए पीछे का जो बैकग्राउंड है इसको ऑफ कर देता हूँ, और फेस को सिलेक्ट करके बेक सिलेक्ट मेस करते ही हमारा जो 3D ज्योमेट्री का जो क्रिएट होके आ जाएगा। अभी देख सकते हैं एक नोड आ गया, बेक मेस बोल के आ गया। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे एक मेस जो है ड्रॉ हो गया। तो इसको देखने के लिए पहले हमें ये जो पॉइंट क्लाउड मोकर प्रॉपर्टीज है इसको इरेज करेंगे, हमें ये वाला मेस इधर से दिख जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, इसको अच्छे से देखना है। तो इधर से हम लोग डोम लाइट को ऑन करके देख सकते हैं कुछ ऐसा कुछ हमें मेस जो है जनरेट होके आया है। देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा एक मेस फाइल जनरेट हुआ है। तो इधर से डोम लाइट को ऑफ कर देते हैं, अभी के लिए इसका जरूरत नहीं है। तो अभी हमें क्या चाहिए, फेस के ऊपर हमें बियर्ड बनाना है। तो कौन सा फ्रेम पे अच्छा रहेगा, वो वाला फ्रेम पे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा फ्रेम पे अच्छा रहेगा। तो एक बार प्ले करके देख सकते हैं कौन सा फ्रेम पे अच्छा होगा, जो फ्रेम प्रॉपर फेस को दिखाई दे रहे उसी फ्रेम पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। देख सकते हैं अराउंड 100 फ्रेम हमारे लिए बहुत अच्छा है, 100 फ्रेम जो है बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाला फ्रेम एकदम कैमरा के क्लोज भी है, ज़्यादा दूर पे भी नहीं है और ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं है। तो 100 फ्रेम को हम अलग से रेंडर कर लेते हैं, राइट नोड लेते हैं, राइट नोड को चेयर से कनेक्ट करके हम लोग इसको रेंडर करते हैं। तो रेंडर करने के लिए हमें राइट नोड का जो फाइल ऑप्शन है इधर जाके जिस जगह पर रेंडर करना है उस जगह का फोल्डर पाथ दे देना है, और फोल्डर को सिलेक्ट करके इधर का कोई भी नया नेम दे डाल देते हैं। इधर हम कोई भी नेम डाल देते हैं, ऐसा फेस लिख देते हैं डॉट फोर हैशटैग डॉट जेपीजी में हम लोग रेंडर करते हैं, सेव कर लेते हैं। रेंडर हमें 100 फ्रेम पे करना है, तो रेंडर पे जाके 100 फ्रेम ऐसे उस फोटोज को हम फोटोज के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, और इसका बियर्ड जो है वो क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लोग इंटरनेट पे जाके कोई भी एक बियर्ड की इमेज को हम डाउनलोड लेयर एक्सेस करके काम कर सकते हैं। हो सकता है तो कभी भी हम इसके ऊपर और भी डिटेल में काम करेंगे, फोटोशॉप के ऊपर कैसे अच्छे से बनाना है, वो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए है। तो हम कोई भी फुटेज को अभी के लिए यूज कर लेते हैं, तो मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से सेव कर लेता हूँ।
तो ऐसा कुछ हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, तो बस और अच्छे तरीके से हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, एक मार्स नोड ले लेना है, मार्स को इधर कनेक्ट कर देते हैं और ए को इधर कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद जो मार्स नोड का ऑपरेशन है, इधर जाके हम लोग इसको मास्क कर देते हैं। तो अभी वाला जगह जो है वो पर कट होके आ गया, तो एजेस जो है जो बहुत शार्प है, इसके लिए हम लोग एक ब्लड नोड नहीं तो एज ब्लड नोड दे के एजेस जो है हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं, कुछ ऐसा कुछ हम लोग स्मूथ कर लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, इस चीज को हमें ये जो हम लोगों ने मेस फाइल क्रिएट किया, जो फेस का जो मेस फाइल है, इसके ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली हमें पूरा का पूरा 3D सेटअप बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए जो जरूरत होगा तो हम एक प्रोजेक्ट 3D नोड ले लेते हैं। इसके बाद हमें चाहिए ये वाला कैमरा को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करके इधर कंट्रोल सी से पेस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद हमें जरूरत होगा एक स्कैनलाइन लेंडर जो हमें 3D से 2D को कन्वर्ट करके दिखाएगा, और अभी हमें लेना है एक नोड जैसे कि है फ्रेम होल्ड, क्योंकि फ्रेम होल्ड नोड इसलिए यूज करेंगे, प्रोजेक्ट जो कैमरा है ये हमेशा होल्ड होना चाहिए। तो इसके बाद ये जो प्रोजेक्ट 3D है टेक्सचर वो प्रोजेक्ट करेगा, तो प्रोजेक्ट 3D का नोड हम लोग टेक्सचर के ऊपर कनेक्ट कर लेते हैं, कैमरा को हम कैमरा के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और फ्रेम होल्ड नोड जो है ये प्रोजेक्ट 3D और कैमरा के बीच में ऐसे कुछ लगा देते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा क्लिक कर लेते हैं और फ्रेम होल्ड के अंदर हम लोग मेंशन कर देते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट को टेक्सचर, ये जो टेक्सचर है 100 फ्रेम पे प्रोजेक्ट करेगा, तो हमें वो वाला जगह पे मेंशन कर देना है। तो मैंने 100 फ्रेम नंबर डाल दिया। इसके बाद इधर हम लोग एक सीन मोड भी ले सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट स्कैनलाइन लेंडर के साथ इस सीन को हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और कैमरे को हम कैमरा के साथ कनेक्ट कर देते हैं, कुछ ऐसे। तो अभी हम अगर स्कैनलाइन से व्यू करेंगे तो अभी हमें क्या दिखेगा 2D के अंदर, ऐसा कुछ हमें 2D के अंदर दिखेगा, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड फुटेज है वो कनेक्ट नहीं है, तो बैकग्राउंड के लिए हमें ओरिजिनल फुटेज चाहिए होगा। तो ओरिजिनल फुटेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट करके ये जो पीजी है पीजी को हम इसके ऊपर कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हमें ऐसा कुछ फिर से प्रॉब्लम दिखेगा, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये हमें ऑटो अल्फा से मिल रहा है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ऑटो अल्फा को ऑन कर लेंगे। जैसे ऑन कर लेंगे इधर देख सकते हैं प्रॉपर मैच होकर आ गया। अभी हम प्ले करके देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। फर्स्ट फ्रेम पे चलने के बाद इधर हमें एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ये प्रॉब्लम क्यों दिखाई दे रही है, अभी हम अगर ये मेश फाइल के अंदर देखेंगे हमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इसके अंदर जो टेक्सचर है ये टेक्सचर हमें नीचे की तरह भी आ रहा है, देख सकते हैं टेक्सचर जो नीचे की तरह भी आ रहा है, ऐसा कुछ नीचे की तरह टेक्सचर आ रहा है। तो इसीलिए ये टेक्सचर जो है हमें वो फर्स्ट फ्रेम पे दिखाई दे रहे, कुछ ऐसा कुछ हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट फ्रेम में, ऐसा कुछ हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, ये जो प्रोजेक्ट 3D नोड है ये बहुत जगह पे काम कर रहे हैं, मतलब पीछे की तरह भी काम कर रहे हैं, और मतलब जिस जिस जगह पे हमें ये जो मेस है उस जगह पे हमें टेक्सचर मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो प्रोजेक्ट 3D है इसकी अंदर प्रोजेक्शन जो हो रहा है, प्रोजेक्ट जो कर रहा है हर जगह पे हो रहा है जहाँ पे मेस है, तो इसको हम कर देंगे फॉर्म पे, जिस जगह पे हम लोगों ने ड्रॉ किया है मास्किंग को। अभी देख सकते हैं प्रॉब्लम ठीक से फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ कुछ जगह अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ जगह पे हमें अच्छे से नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेस है ये मेस को हम लोग थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, करने के लिए मेस के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और इसका जो एक्स रोटेशन है इसके ऊपर हल्के से हम लोग क्लिक करके रोटेट करेंगे, तो हमें ये परफेक्टली मैच होकर मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ रोटेट कर लेते हैं, हमें जिस तरह चाहिए थोड़ा सा और रोटेट कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ हमें मिल गया, और ये जो मास्किंग जो है मास्किंग को भी हम लोग थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं 100 फ्रेम के अंदर चल के, शायद इधर से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अभी इन लोग वापस देखते हैं, ये जो प्रॉब्लम है हमें सॉल्व होकर मिल गया, एक बार प्ले करके देखते हैं वीडियो के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो अभी जो हमारा आउटपुट है देख सकते हैं बहुत अच्छे से आउटपुट जो है मिल गया, कोई भी मिसमैच नहीं हो रहा है। अभी अगर 1:2 करके ओरिजिनल के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं, तो पहले हमारा फुटेज कुछ ऐसा था, अभी हमें जो बियर्ड ऐड किया है प्रोजेक्शन के साथ, तो अभी आउटपुट कुछ ऐसा है। तो अगर थोड़ा सा कलर करेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है तो हम इसके ऊपर कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। कलर करेक्शन करने के लिए तो हमें क्या करना है, एक ग्रे टोन लेना है, तो ग्रे टोन को हम प्रोजेक्टर के ऊपर लगा लेंगे और हमारा जो प्रोजेक्टर
जो हुआ था 100 फ्रेम भी हुआ था, तो हम 100 फ्रेम के ऊपर जाके ग्रे नोड का जो गेन है इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेट की कर लेंगे, और जिस जगह पे कलर करेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है उधर जाके हम लोग इसको अपना रिगार्डिंग कलर जो है कर सकते हैं कि हमें कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, तो उसका रिगार्डिंग हम लोग इधर वैल्यू जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ मैं कर दिया, तो देख सकते हैं पहले कुछ ऐसा था, थोड़ा सा मैन प्रोसेस का कलर जो है थोड़ा सा लाइट कर दिया। ये जो कलर करेक्शन है आपको चाहिए होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं, जिस जिस जगह पे आपको कलर करेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है तो उधर जाके हम लोग की को ऐड करके थोड़ा बहुत कलर करेक्शन बहुत अच्छा से। तो हमारे जो कॉम फाइल है कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, तो ऐसा कुछ कॉम फाइल होने वाला है। तो सिंपल सा है, हमें इसको ट्रैकिंग किया इधर से, इसके बाद पॉइंट क्लाउड जनरेट किया और उसके साथ हमें एक मेस को जनरेट किया और इसके ऊपर हमें टेक्सचर को जो है प्रोजेक्ट कर दिया। बस इतना सा यार, सिंपल सा एक टॉपिक था जो मैंने कवर अप कर दिया, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है इस रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो ये जो फुटेज है मैं प्रैक्टिस करने के लिए मैं लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इधर से फुटेज को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। जो फोटोशॉप में मैंने जो बीएड बनाया है ये भी मैं दे दूंगा, तो आप इधर से यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हो।